भिंडी के औषधीय गुणों को जानकर आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे। यह जीवन रक्षक है एक प्रकार से, दसियों रोगों में कारगर सिद्ध होती है। डॉक्टर के पास जाने की नौबत नहीं आएगी। यदि आप गए हैं तो लौट करके आइए और भिंडी का प्रयोग करिए। भिंडी के प्रयोग करने से आप हमेशा तरोताज़ा रहेंगे और अच्छा भोजन भी आप ग्रहण करेंगे। यह है भिंडी। भिंडी के खेत में हूँ और भिंडी के चमत्कारिक गुणों के बारे में आज बताऊंगा। एक तो खाने में बहुत अच्छा लगता है और तमाम रोगों से लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता अगर है तो वह भिंडी में। भिंडी बहुत आसान है इसकी बुआई करना। इसके बीज आप डालेंगे, अच्छा होगा कि आप गोबर की खाद, हरी खाद, सड़ी हुई खाद, रासायनिक खादों का प्रयोग न करें और भिंडी की बुआई कर दें। अंकुरित होगा, हल्की सिंचाई करेंगे और फिर जल्द ही फूल और फल आने शुरू हो जाएंगे। ये आप भिंडी को देख रहे हैं नीचे से ही, देखिए यहाँ से तुड़ाई हुई है और तुड़ते तुड़ते यह ऊपर जाएगी और बहुत जा सकती है। एक बार हमने बुआई किया था तो 7-8 फीट ऊंचाई पर गई थी और लगातार ऐसे निकली, फिर यहाँ से कल्ले निकले ऐसे निकल करके। चलिए बताते हैं, सबसे भयंकर रोग है कैंसर। कैंसर का नाम आते ही लोगों को लगने लगता है कि अब तो हमारा समय समाप्त और मौत बहुत बीभत्स होगी। आदमी चिल्ला चिल्ला करके मरता है और जीवन प्रतिरोधक दवाओं का असर नहीं होता है। भिंडी ऐसे में कई प्रकार के कैंसर की रोधी है। एक बीमारी है रक्ताल्पता, रक्त अगर कम हो जाता है शरीर में तो भिंडी उसकी पूर्ति करती है। उदर रोग से संबंधित जितने भी रोग हैं भिंडी उसमें बहुत कारगर सिद्ध होती है। अमाशय से लेकर के पित्त की थैली और सभी के शुद्धिकरण का भिंडी के पास निदान है। आगे बढ़ते हैं, एक रोग है डायबिटीज। डायबिटीज आज हर चौथे पांचवें व्यक्ति को हो गया है और डायबिटीज होने पर लोग परेशान होते हैं, क्या खाएं क्या ना खाएं। तो भिंडी यदि आप ऐसे चबाते हैं तो भी ठीक है, नहीं काट करके, ऐसे काट करके अगर कड़ी भिंडी है, बहुत सी भिंडी ऐसे हैं जो टूट नहीं पाती हैं, कड़ी हो जाती है। जैसे मैं दिखा रहा हूँ इधर, यह भिंडी लगभग कड़ी जैसी हो गई है। चलिए मैं इसको तोड़ता हूँ। चलिए अभी ठीक है लेकिन कड़ी हो गई है। ऐसी भिंडी को ऐसे आपने काटा और किसी बर्तन में आपने भिगो दिया, थोड़ा सा पानी डाल दिया, रात भर भिगोने के बाद सुबह उसको निचोड़ करके भिंडी फेंक देंगे। कोई अगर गाय भैंस बकरी कुछ भी है तो उसे आप खिला देंगे और उसका पानी ऐसे लबाब जैसा हो जाएगा, मोटा मोटा पानी हो जाएगा। तो आप उसे छान करके पी जाएंगे, मिश्री के साथ ऐसे भी पी सकते हैं। देखिए अब्दुल्ला भाई हमारे मित्र हैं और आज इन्हीं के यहाँ हूँ। एक भिंडी इन्होंने पुनः दिया है खाने के लिए, कड़ी हसन अब्दुल्ला जी, कड़ी है तो भी हम खा जाएंगे। तो छान करके पी जाएंगे, इससे डायबिटीज कंट्रोल रहेगा। दूसरा विषय कि आपका अमाशय, लीवर यह सही रहेगा, पाचन तंत्र सही रहेगा। इसलिए और यह दो सीजन में तो इसकी खेती होती ही है, एक सीजन निकल रहा है, दूसरा सीजन बरसात वाला आ रहा है। जैसे ही बरसात होगी वैसे ही भिंडी की बुआई आप करेंगे। और भिंडी एक बड़े पौधे के रूप में जैसे 7 फीट 6 फीट 8 फीट का होगा और फिर उसकी भिंडी की सब्जी है, भिंडी की कलौंजी है, और भी व्यंजन बनते होंगे। कलौंजी शादी विवाह में बड़ा आनंद आ रहा है खाने में, और भिंडी की सब्जी तो पूछना ही नहीं है। भिंडी की रसेदार सब्जी भी बनती है और भिंडी की भुजिया भी बनेगी, प्याज डाल करके, प्याज लहसुन डाल करके और हल्का सा तेल। अब तो देखिए विदेशों में उबाल करके लोग खा रहे हैं, यहाँ भी लोग उबाल करके। तो मैं चाहूँगा भैया जिसका जो टेस्ट हो वह करे, और मेरे घर लोग मान नहीं रहे, मैं भी चाहता हूँ कि उबाल करके खाया जाए। धीरे धीरे आज नहीं कल मानेंगे ही लोग। आज का दिन हमारा भिंडी की प्रासंगिकता, उपादेयता और इसके जो औषधीय गुण हैं उस पर रहा।
आगे भी हम तमाम इसमें कैल्शियम है, आयरन है, पोटेशियम है, बहुत से पोषक तत्व हैं जो आपके जीवन को अच्छा बनाएंगे, रोग मुक्त करेंगे, रोग प्रतिरोधक क्षमता आपके भीतर बढ़ेगी और आप अपने आप को तरोताज़ा महसूस करेंगे। आज के दिन बस इतना ही। धन्यवाद।